हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट। इसमें एयरबैग की लाइट आ रही है, तो मैंने एयरबैग खोला, उसको रिपेयर करने की कोशिश की है। अभी स्कैन करके देखते हैं वापस कि क्या लाइट आ रही है। मैं गाड़ी का इग्निशन ऑफ करता हूँ, इंजन ऑफ, इग्निशन ऑन। सॉफ्टवेयर खोलो, SRS मीन्स एयरबैग का होता है रेड फोल्ड कोड। यहाँ पे दिखा रहा है फ्रंट ए और बी ड्राइवर साइट टू हाई, तो मतलब मेरा अभी निकाला हुआ है एयरबैग का। मैं उसको फिट करके वापस चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लियर डेटा एक बार करता हूँ, वापस चेक किया, फिलहाल नो फोल्ड कोड। जैसे ही मैं सेल मारूँगा वैसे लाइट वापस आ जाएगी। रेड फोल्ड कोड ये देखिए, मैं अभी इसको स्टेयरिंग लगाता हूँ, उसके बाद वापस चेक करता हूँ क्या फोल्ड कोड आ रहा है साइड का। इग्निशन ऑन करता हूँ मैं, और यहाँ पे मारुति इंडिया कंफर्म। कनेक्ट होने के लिए बीप साउंड, ओल्ड मेनू, स्विफ्ट SRS, रेड फोल्ड कोड। रेड फोल्ड कोड किया मैंने, हिस्ट्री का दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं हिस्ट्री। मैंने भी एयरबैग लगा दिया है, तो मैं क्लियर फोल्ड कोड करता हूँ। यहाँ पे एयरबैग की लाइट भी आ रही है, क्लियर किया मैंने अभी, वापस रीड करता हूँ, नो फोल्ड कोड। इग्निशन यहाँ पे अभी भी लाइट दिखा रही है, अभी इग्निशन ऑफ करता हूँ, ऑन, गाड़ी स्टार्ट। फोल्ड कोड, नो डेटा। अभी इंजन कंट्रोल में चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। पेट्रोल, रेड फोल्ड कोड, कोई फोल्ड कोड नहीं है। अभी यहाँ पे एयरबैग की आप लाइट भी देख सकते हैं, एयरबैग की लाइट चली गई है। बैग चालू करने पे नहीं आ रही है अभी एयरबैग की लाइट। सेल मारते हैं, यहाँ से एयरबैग की लाइट चली गई है। यहाँ मेरा ड्राइवर साइड का जो था उसमें वायर ढीला था, तो मैंने उसको रिकनेक्ट किया है बराबर। मैंने क्योंकि स्टेयरिंग खोला था तो उस टाइम पे ढीला हो गया था, अभी मैंने वापस उसको कनेक्ट किया है तो बराबर चल रहा है। तो ऐसे आप एयरबैग को चेक कर सकते हैं।